Hi, I'm Shaniza Hussain from Batulolog Ba, and Mirchi FM is number one in Ba. Mera naam hai Tuate Namaka Nendike. Mirchi FM Julum hai mama. I'm Sharon from Lomalomalotoka and I'm a big fan of Mirchi FM. I'm Ravi Singh from Nambitu Singatoka and I love Mirchi FM because it always plays hit songs. I'm Safina from Bimbin Coffee House. I love listening to Mirchi FM and it's really hot. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। चीफ जस्टिस एंथनी गेट्स ने लोगों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया जा रहा है ज्यादातर गलत रहते हैं और ऐसा करके सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जस्टिस गेट्स ने लोगों और मीडिया से मांग की है कि वे सोशल मीडिया पर दिए जा रहे जानकारी को लेकर सावधानी बरते क्योंकि सच्चाई को अक्सर छुपाया जाता है। लोगों के बारे में गलत जानकारियों को पोस्ट किया जाता है और जस्टिस गेट्स का कहना है कि ये डेफामेशन है। साइबर क्राइम यूनिट के हेड सेरुपेपेली नाइको ने बताया कि क्राइम्स डिक्री में सेक्शन 213 के तहत अगर कोई भी किसी को तंग करता है तब उनसे निपटा जा सकता है और सब सेक्शन में किसी भी तरह से तंग करना शामिल है। भारी मात्रा में लोग नकली नामों का इस्तेमाल करके गलत जानकारी को पोस्ट करते हैं। फिजी शुगर कॉरपोरेशन गिरती हुई शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिए सख्त निर्णय बना रहा है। नए मैनेजमेंट ने कई योजनाओं की घोषणा की है ताकि कंपनी के पोजीशन को ठोस बनाया जा सके और पहली बार विसल ब्लोअर्स से मांग की जा रही है कि वे फ्रॉड और करप्शन संबंधी विषयों पर जानकारी प्रदान करें। एफएससी के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रहम क्लार्क का कहना है कि वे सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एफएससी में एक एग्रीकल्चरल मैकेनिकल सपोर्ट सर्विस को स्थापित किया जा सके। एफएससी इसके अलावा 130 वर्ष पुराने पिनेंग मिल पर भी जल्द निर्णय बनाएगा। किसानों के पास एक टोल फ्री नंबर भी है जहां वे अपनी शिकायतों को रजिस्टर कर सकते हैं और पहली बार लोग टोल फ्री नंबर पर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें भी कर सकते हैं। क्लार्क को विश्वास है कि इन सख्त कदमों से वे इंडस्ट्री को दोबारा सही मार्ग पर ला सकेंगे। फिजी एयरवेज ने टैक्स से पहले 84.5 मिलियन डॉलर्स के मुनाफे की घोषणा की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मिलान में एयरलाइन ने 14 मिलियन डॉलर्स ज्यादा मुनाफा कमाया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर अया सैयद खैयूम ने आज शाम मुनाफे की घोषणा करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा परिणाम है लेकिन एयरलाइन को अपने सर्विस डिलीवरी और परफॉर्मेंस में सुधार लाते रहना पड़ेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन विंस्टन के बाद फिजी एयरवेज ने लगभग 40 मिलियन डॉलर्स रेवेन्यू खोया था। इस मुनाफे के कुछ हिस्से को कर्मचारियों में बांटा जाएगा। एलिजिबल स्टाफ को 4,000 डॉलर्स दिए जाएंगे जिसमें पिछले वर्ष के मिलान में 20% की वृद्धि हुई है जबकि मैनेजमेंट स्टाफ को लगभग 9,000 डॉलर्स मिलेंगे। और खेलकूद में वोडाफोन फीजी सेवंस कोच गैरेथ बेबा कुछ नेशनल रैप्स को अगले सप्ताह होने वाले फीजी बिटा मारिस टूर्नामेंट में खेलने के लिए रिलीज करेंगे। बेबा ने बताया कि प्लेयर्स को गेम टाइम मिलेगा और उनके लिए नए टैलेंट की पहचान करने का अच्छा मौका है। बेबा के अनुसार उन्होंने उन प्लेयर्स को खेलने की अनुमति दी है जिन्हें और गेम टाइम की जरूरत है। इस टूर्नामेंट से जिन नए प्लेयर्स को चुना जाएगा वे नेशनल कैंप में जुड़ सकते हैं और इस सीजन बाद में उन्हें नेशनल टीम के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा मारिस सेवंस ऑर्गेनाइजर्स भी अपनी तैयारियों को राउंड अप कर रहे हैं। मारिस सेवंस अगले शुक्रवार और शनिवार को ANZ स्टेडियम सुबह में होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। हमारा नाम संत कुमार है। हम रेडियो फिजी 2 सुनता है और तागुआ में सबसे बेहाल रेडियो फिजी 2 है यार। हम बिना विमलेश रकविंदी तागुआ से रेडियो फिजी 2 हमारा सबसे फेवरेट स्टेशन है। हमारा नाम ब्रूस राव है। रेकरेकी मार्केट बेंडा और रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन 1954 से हम सुनता है। हम कबली तागुआ रहता है। हमारा नाम है रमेश चंद और हमारी मछली के धंधा है और हम सब टाइम रेडियो फिजी 2 सुनता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।